बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। सबसे पहले जानेंगे आज की टॉप स्टोरी। बारह अप्रैल बेघर बच्चों का दिन, फ्री चिल्ड्रन, ना घर ना कोई डर, शनाख्त सबका हक मगर कब। सेहत पर करोड़ों मुख्तेस, हालत फिर भी सिफर, गंगाराम हो या कोई भी सरकारी अस्पताल, सबका बुरा हाल। गंगाराम अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड सिर्फ 6 बेड्स पर मुश्तमिल। नाजरीन, आज 12 अप्रैल है और आज का दिन उन बच्चों को डेडिकेट किया जाता है जो के घरों से बाहर रहते हैं, उन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन का टाइटल दिया जाता है। इन बच्चों के हकूक क्या है, कानून इनके बारे में क्या कहता है और माशरा अपनी जिम्मेदारियां इन बच्चों के लिए कैसे अदा करता है, इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं साद रसूल साहब और आज की हमारी मेहमान हैं सबा सादिक साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। उन्हें बहुत बहुत वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले साथ की जानिब चलते हैं। साथ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अगर डिफाइन करना हो, तारीफ बयान करनी हो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है, ये बच्चे जो घरों से बेघर रहते हैं उनकी तारीफ क्या है या उनको डिफाइन किस तरह किया जाता है, उनको कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है, एक ये सवाल। और दूसरा, कानून इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कहता है, क्या किस तरह से बनाया जाता है इन बच्चों को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मदिया। मदिया, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है हमारे माशरे के अंदर, हमारे सूबे के अंदर, हमारे शहर के अंदर। दर दर गली गली के ऊपर हमें वो बच्चे नज़र आते हैं जो कि या तो भीख मांग रहे होते हैं या उनके साथ कोई ज्यादती हो रही होती है या वो किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं। और जो आईनी, अब 18वीं तरमीम के बाद जो आईनी फ़र्ज है रियासत का कि 16 साल की उम्र तक तमाम बच्चे जो हैं, 9 से 16 साल की उम्र तक खासतौर पर जो तमाम बच्चे हैं वो मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी तौर पर स्कूल में पढ़ें, वो इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रही, क्योंकि ये रियासत के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कि वो सबको कि उन तमाम बच्चों को वो स्कूल के अंदर दाखिल करवाएं और वो सड़कों के ऊपर और बेघर फिर ना रहे हों। इस पर्सपेक्टिव के अंदर पंजाब के अंदर एक कानून है जिसका, जो 2004 का कानून है जिसको कि पंजाब निगलेक्टेड चिल्ड्रन एंड निगलेक्टेड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन एक्ट कहते हैं। उस कानून के नीचे निगलेक्टेड चाइल्ड के, जिसको जो कि जिंदगी के हम आज बात कर रहे हैं, वो कौन होते हैं उनको डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया। 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज उसके अंदर बनाई गई हैं। उसके अंदर वो तमाम बच्चे हैं जो कि किसी वजह से अपनी या किसी और की गलती की वजह से बेघर हैं, वो तमाम बच्चे हैं जिनके वालिदैन जो हैं वो कासिर हैं उनका ख्याल रखने से, वो तमाम बच्चे हैं जिनके वालिदैन या गार्डियंस जो हैं किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं और इसलिए अब वो मौजूद नहीं है, वो तमाम बच्चे हैं जिनके साथ माशरे ने या माशरे के अंदर किसी ने भी कोई ज्यादती की, कोई इल्लीगल एक्ट किया, कोई उनके ऊपर तशद्दुद किया जिस वजह से वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये 8 कैटेगरीज इस कानून के अंदर डिफाइन की गई हैं जो कि तमाम निगलेक्टेड चिल्ड्रन हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक ब्यूरो बनाया गया है, पंजाब के अंदर एक ब्यूरो बनाया गया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और साथ ही साथ उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया गया है जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब है। चीफ मिनिस्टर पंजाब और दीगर जो मुतलिका सेक्रेटरी साहिबान हैं और कुछ मेंबर जो बाहर से इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी आते हैं और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान भी होते हैं, वो उसका एक हिस्सा है। और इस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ब्यूरो को सही तरह चलाए, इसके फंड्स कायम करे, इसके इदारे कायम किए जाएँ डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उससे भी बेसिक लेवल के ऊपर इस तरह के इदारे कायम किए जाएँ जो इस तरह के बच्चों की देखभाल कर सकें, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाएं, उन लोगों को तैनात किया जाए जिनकी के रियासत के की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो कि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उनको स्टेट की कस्टडी मिले और फिर उनको किसी महफूज जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे रियासत उनका ख्याल भी रख सके और साथ ही साथ उनकी तालीम और दीगर नशोनुमा का ख्याल भी रखा जा सके। तो ये एक बड़ा मुस्बत कानून है। इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन अभी तक पंजाब में नजर नहीं आती। कानून तो है लेकिन मुस्बत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। चूंकि सबा सादिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबा साहिबा, ये बताएगा कि आपके पास डेटा मौजूद है कि लाहौर में और पंजाब में कुल कितने बेघर बच्चे हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको टाइटल दिया जाता है वो कितने हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आज ये जो हमारा यूनिवर्सल डे है स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से आपने इसको मौजू बनाया। साद ने हमारे कानून के बारे में काफ़ी तफसील जो है यहाँ पे बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब की सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो इन बेघर बच्चों के लिए हैं।
अगर आप ब्रुकलिन बच्चों के हवाले से बात करें कि उनकी जंजीरें गुलामी की पैदाइश के वक्त से लेके उनकी नस्ल दर नस्ल चलती थी, उसके लिए भी उन्होंने कानून बनाया और उस कानून पे सही मानों में अमल दरामद कराने के लिए खुद जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसको कायम किया। आप 80,000 बच्चा स्कूल्स में जा रहा है, इसके अलावा आज चूंकि स्ट्रीट मैडम थोड़ा सा कथा कलामी माफ बोलने का मौका देंगे साथ, तो मैं आपके वो तमाम चीजें जो आपने अभी बयान की हमारे कानून की उसकी सही मानो मैं सिर्फ ये तशरीह कर दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब के कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था ब्रेकिंग के बच्चों के बारे में, जिस वजह से ये कानून बना। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब देखें सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है और इस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी इन बेसहारा बच्चों के लिए आपको याद होगा कि एक सो मोटो लिया था और उस सो मोटो में भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट की ये एफर्ट्स को ओपन कोर्ट में भी अप्रिशिएट किया गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मामला जो है इसमें बच्चों की बहाली के लिए बच्चों कुल कितने बच्चे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं इस वक्त जी, अगर आप ब्यूरो के हवाले से बात करें तो इस वक्त हमारे पास 765 बच्चे नहीं, 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 तो आपके पास नहीं कुल लाहौर में कितने बच्चे हैं डेटा, लाहौर का डेटा क्या है और पंजाब का डेटा क्या है जी, आप अगर मुझे दोनों बोलने का मौका दें तो आपको मैं डेटा जो है वो शेयर जरूर करवाऊंगी। इसका इनफैक्ट डेटा जो है इसके ऊपर हमने एनजीओ के साथ काम शुरू किया है, ये साल हमारा जो है स्ट्रीट चिल्ड्रंस को जो है उनके महफूज रेस्क्यू करके उनके महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वक्त ब्यूरो में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए डाटा, अगर आप इस जनवरी यकम से लेके 2016 से और आज की डेट तक देखें तो हमने 2128 बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया है। सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, हम पॉजिटिव चीजों पर जरूर बात करेंगे। सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि क्या 2004 के कानून के बावजूद आज 13 साल बाद क्या हुकूमत पंजाब को क्या लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि कितने बच्चे निगलेक्टेड बच्चे हैं, ये हमारा सवाल है। देखिए 13 साल के बावजूद इसकी तशरीह आप खुद क्योंकि कानून के स्टूडेंट है, मैं भी कानून की स्टूडेंट हूँ और हमें इसकी तशरीह जो है इसको इस हवाले से देखना पड़ता है कि निगलेक्टेड और एट रिस्क बच्चे, वो बच्चा भी एट रिस्क है कि जो पेरेंट्स के साथ है। हमने हुकूमत पंजाब टोटल नंबर बता दें, एट रिस्क भी बता दें, मैं आपको टोटल नंबर जो है आप सड़कों के ऊपर जो शुमार करेंगे, अब सेंसेस हमने अपने बच्चों का करवाया है, 7 सेंसेस के लिए मैंने खुद बात की है सेंसेस डिवीजन वालों से और हमारे वो बच्चे जो अब सेंसेस का हिस्सा बन रहे हैं वो कभी नहीं बने थे पिछले तेरह साल में। ये बड़े दुख की बात है, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, पांच सालों की और बिलखसूस साथ में 3 सालों की बात करूंगी। हुकूमत आपकी जो है 2008 से हमने नादरा के साथ रजिस्टर्ड करवाया है, स्ट्रीट पे जो एट रिस्क बच्चे हैं वो गवर्नमेंट की स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है। मैम इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट कम से कम पीएमएलएन की गवर्नमेंट 2008 से है, ये इंस्टीट्यूशन 2004 से बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये बात भी आपने बता दी कि कितने आपकी जिम्मेदार नहीं हूं। चले मैडम आप अब की जिम्मेदारी का बता दें कि क्या अब आपके इदारे को ये पता है कि कितने बच्चे हैं। साथ आप मेरी बात जरा हौसले से सुनिए, मैं आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन जो दे रही हूँ ये हमारा कोर्ट डाटा है, हम कोई बात अपने से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर एक सेशन जज साहब है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपॉइंट होते हैं, जो बच्चा कस्टडी में आता है, जो बच्चा एट रिस्क होता है गवर्नमेंट उनकी कस्टडी लेती है या हम पेरेंट्स से रीयूनिफाई कराते हैं, वो डाटा हमारे पास है। वो डाटा जिसकी बात आप कर रहे हैं और जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि एट रिस्क बच्चे सड़कों पे स्ट्रीट चिल्ड्रन कितने हैं, उनके लिए हमने जो है वो एनजीओस जो बच्चों के कंसोर्शियम के लिए काम कर रही हैं हमने उनको ऑनबोर्ड किया है, आज हमारा उनके साथ एमओयू जो है वो साइन हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो एट रिस्क हैं, जो स्ट्रीट में हैं, जो बेगरी में हैं, एक बहुत बड़ी हाई पावर्ड कमेटी चीफ मिनिस्टर ने खुद हेड की। ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, सवाल ये है आवाम ये पूछना चाहती है, हमारा ये हमारी आप पे तनकीद बराए तनकीद नहीं है, आवाम ये पूछना चाहती है कि हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कि ये ना पता हो कि अगर हम अपनी गली के फलानी गली के कोने पे चले जाएंगे तो वहां पे 4 बच्चे भीख मांग रहे होंगे। हम सब इसको जानते हैं, हम रोज घरों से निकल के दफ्तर जाते हुए या कहीं पे भी जाते हुए उन बच्चों को क्रॉस करते हैं। अगर हम सबको पता है कि वो बच्चे कहाँ पे हैं और वो रोज वहीं पे होते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उनको 1 दिन 2 दिन 4 महीने साल 2 साल में उनको क्यों नहीं पकड़ सकी, उनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकी और नंबर्स भी नहीं पता पूरे। मेरे ख्याल है कि अगला जो हमारा ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उसमें हम आपको भी कंपनी कराएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को अभी तक अपने साथ लेके जाते हैं कि बच्चे जो हैं
इनके ऊपर हमने, आप अगर मुझे मौका दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं कुछ बयान फरमा लूं, आपके गोश गुजार कर लूं, हमारी मैडम हमारे सवाल का जवाब दे दें। जी मैं आपके सवाल का जवाब देने की एफर्ट कर रही हूं साथ कि हमने इन बच्चों को जो एट रिस्क हैं बेगरी पे, आपने मेरी बात काट दी। मैं आपको इसी का सीक्वेंस बता रही थी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, चीफ सेक्रेटरी और तमाम कमिश्नर्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मेंबर्स इसमें शामिल हैं, तमाम कमिश्नर्स इसकी निगरानी कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ हमने आईजी पंजाब के साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हुक्म पे मीटिंग की, हमने स्पेशल ब्रांच के साथ मीटिंग की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जब हम रेस्क्यू करके लाते हैं, ये बच्चे 8-8 दफा हम पकड़ते हैं। अब आप खुद कानून के जो है माशाल्लाह कानून दान है, हम इन बच्चों के लिए लेजिस्लेशन ला के इनके कवानीन को सख्त कर रहे हैं कि जो रिपीटर्स माँ बाप बच्चों को बार बार आप ही की गली के बाहर 4 दफा खड़ा करते हैं, उसमें जो है उन माँ बाप को भी साथ सजावार कराया जाए। ऐसे अनासर जो बच्चों को बार-बार तो आपके एग्जिस्टिंग कानून में भी सजावार है। देखिए आपका जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके अंदर 3 साल तक की पनिशमेंट है, जो 2004 का एक्ट है। मैडम जरूर आप जरूर सख्त करेंगी। देखिए आवाम का सवाल मेरा, आपने किसी सवाल का जवाब दिया होगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम। आपने मेरा सवाल ये है कि ये कमेटी बना दी गई और आप मीटिंग्स हो रही हैं और फलाने से नहीं, हम जी इन ऑपरेशन है, हम इन ऑपरेशन है साथ, हम इन ऑपरेशन है। आप हमारा ये अगर आपके पास ये हमने इन्फॉर्मेशन दी है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा डेली बेसिस के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, हमारी जिला इंतजामिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ट्रैफिक पुलिस और हमारी जो इलाका पुलिस है वो इन ऑपरेशंस में। मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपके सवाल, अभी तक आपकी गुफ्तगू से ना हमें ये पता चला नहीं, आप ये बात गलत कह रहे हैं, आपको सब पता है टोटल के टोटल बच्चे कितने हैं, चलिए मुझे बता दीजिए कि टोटल बच्चे कितने ना ये पता चला अभी तक, कम से कम मुझे, मैं लायल हूं इस बारे में कि टोटल बच्चे कितने हैं, मैं इस बारे में लायल हूं कि उन बच्चों के ऊपर आपके क्या कमिटी के अलावा आपकी पिछले इतने सालों के अंदर क्या कारकर्दगी हुई है, आपके टोटल, वैसे आपके टोटल ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं पंजाब में वो कितने हैं मैडम? जी हमारे इस वक्त तकरीबन 75 के करीब चाइल्ड, तो टोटल पंजाब में सिर्फ 75 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ एक म्यूनिसिपैलिटी में अगर आपको 2000 बच्चा होगा इस तरह का, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। हमने अभी एनटीएस के और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए बाकी भर्तियां भी की हैं हमारे पिछले इतने सालों में, क्यों नहीं किया गया? मुझे इजाजत दे दें आप, आपकी बड़ी मेहरबानी है साथ, मुझे पता है माशाल्लाह आप साहिब इलम हैं, हम भी अपने तजर्बे से आपको वो चीजें बताना चाह रहे हैं जो आपके इस चैनल इस प्रोग्राम के जरिए आवाम तक जाएं कि हमने वो बच्चे जो हमारी कस्टडी में होने चाहिए, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रही है, बहुत सारे अभी भी काम होने बाकी हैं। ये हुकूमतों के ऊपर तानाजनी करनी बहुत आसान है, मगर हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे आप अपना ही बता दीजिए, मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी हेल्पलाइन है 1121, हम उस हेल्पलाइन के जरिए लोगों की कॉल्स को यहीं बैठ के आप कॉल कीजिए, हम उसी वक्त उस बच्चे की हेल्प के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम विद इन नो टाइम पहुंच रहे हैं। आपने बाकी हुकूमत के ऊपर तानाजनी करना बहुत आसान है, लेकिन जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है आप बहुत इज्जत के काबिल हैं, बड़ी हैं, लेकिन हम नहायत ही अदब और एहतराम से आपसे ये कहना चाहते हैं, आज हमारा प्रोग्राम 50वां है, लेकिन जो भी ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ आए, यहाँ आकर हमारे प्रोग्राम में यही कहा जाता है आज से हमारी मीटिंग हो रही है, आज हमने दस्तखत साइन किया, आज कमेटी बन गई है, आज से लेकिन आपको तो पूरा डाटा भी मालूम नहीं है, वो आपने भी ये जवाब दिया है कि आज से हमारा डाटा जो है कलेक्ट होना शुरू हो रहा है। चलिए मैडम एक और बात कर लेते हैं, देखें एक मिनट, एक और बात मुझे साथ आप ये बताइए कि वो डाटा जो सड़कों के ऊपर है उसको आपको काउंट करने के लिए, आपको अगर हमने फौज की मदद से सेंसस ले रहे हैं तो हमें उस काम को करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को एक मदद की जरूरत है, और वो पिछले इतने सालों में वो मदद क्यों नहीं मांगी गई? अगर बिलियंस ऑफ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग सकते हैं, तो वो भी आवाम की भलाई के लिए है ना जी, वो आपके मेरे लिए है ना, बच्चों के फ्यूचर से जरूरी नहीं है वो चीजें, बच्चों के फ्यूचर के लिए साथ कंपल्सरी एजुकेशन है। मैडम आपके इदारे ने इसके लिए कितने फंड रिक्विजिशन किए कि अगर आपने वाकई आज सेंसस करना हो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन कितने हैं तो आपको
اتنے ریسورسز چاہیے چلیں آپ نے ریکوزیشن کیا حکومت نے نہ بتایا ہو یہ بڑا آپ کا ویلڈ سوال ہے اور میں اس کے اوپر آپ کو الحمدللہ بڑی وسوخ کے ساتھ کہتی ہوں اور بڑی سیٹسفیکشن کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس بیورو میں جب میں آئی تھی تو جو فنڈس تھے وہ یوٹیلائز پراپر نہیں ہو رہے تھے اور الحمدللہ جب ہم نے کام شروع کیا یوٹیلائز نہیں ہو رہے تھے تو میم کہاں جا رہے تھے وہ ان کی یوٹیلائزیشن جو تھی ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمس جو ہیں ان کے لیے زمینیں نہیں ملیں اب الحمدللہ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے وزیر اعلیٰ نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس جو ہیں ہر ضلع میں قائم کرنے کے لیے بجٹ بھی فراہم کیا ہے کتنا بجٹ ہے ہمارا 4.06 million بجٹ ہے ہمارا اس وقت ہم جو ہے آپ کا خیال ہے کہ 4.06 بجٹ جو 4.06 ملین جو آپ بجٹ کہہ رہی ہیں یہ پنجاب کے نگلیکٹڈ بچوں کے لیے کافی ہے جبکہ 1.3 billion کا بجٹ جو ہے وہ اورنج ٹرین کا تھا دیکھیں اورنج ٹرین پورے پنجاب کے پورے لاہور کے لوگوں کے استعمال کے لیے اور بچے جو ہیں وہ کسی اور کے استعمال کے لیے تو نہیں دیکھیں سعد آپ بات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں میڈم پریفرنسز گورنمنٹ کی پریفرنس کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی پریفرنس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں قوم کا مستقبل ہمارے بچے اور نوجوان ہیں ہماری اگر آپ اب یہ ایشو کسی اور طرف نکل جائے گا آپ ہماری اسکالرشپ اسکیم دیکھ لیں آپ ہماری میڈم یہ اسکالرشپ اسکیم جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی ریسپانسبلٹی ہو سکتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے آپ کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ کتنے بچے ہیں وہ کہاں ہیں ان کو کیسے اسٹریٹ سے نکال کے تو پروٹیکشن یونٹس کے اندر لایا جائے گا ہمیں ابھی تک فل نمبر نہیں پتا جس کا کہ تھوڑا سا جو سرپرائزنگ بات ہے دیکھیں اٹ از ناٹ سرپرائزنگ سعد یو آر گوئنگ ٹو آپ اس چیز کو جو ہے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں آگے آگے چلتے ہیں وہ بچے جو اسٹریٹ پہ ہیں ان کا ڈیٹا آپ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے یہ آپ کے لیے ایفرٹ دکھا دیجیے آج ہم نے جپسیز کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے ہم نے جپسیز فیملی کے ساتھ ہم نے بیگرز فیملی کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم حکومتی اداروں سے مدد لے رہے ہیں کیا ایفرٹ ہوئی ہے ایم او یو اور میٹنگ کے علاوہ ایفرٹ کیا ہوئی ہے کتنے لوگ گئے کہاں کے سروس کیے میں پال کانٹیننٹل میں کوئی سیمینار میڈم سروس آپ نے کتنے کنڈکٹ کیے آپ کے آفیسر سڑکوں پہ گئے انہوں نے کوئی دیکھا گنے مجھے وہ نمبرز بتا دیجئے مجھے ویسے حیرانگی ہے سعد آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں آپ تو ڈیلی بیسس پہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں میڈم مجھے وہ نمبرز بتا دیجئے مجھے وہ نمبرز بتا دیجئے جو آپ کے آفیسرز نے آپ کو کمیونیکیٹ کیے کہ جی لاہور میں اتنے بچے ہیں دیگر پنجاب کے شہروں میں اتنے بچے ہیں اور جس کے بعد آپ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ 75 آفیسرز کافی ہیں پورے پنجاب کے لیے دیکھیں اگر آپ ہمارے سے پورا ڈیٹا ہماری پروگرس کا پوچھیں تو وہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے 2016 میں 7087 بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے اگر 7000 کو تو آپ نے ریسکیو کیا ہے اگر آپ کا یہ وہی بچے ہیں جناب جو اسٹریٹ کے اوپر ایٹ رسک تھے جی میم اس کے اندر میم برکلن والے ورکرز کے والے بچے والے جی نہیں جی وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے مگر کہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم ان کے ہیلپ کے لیے جاتے ہیں میڈم آپ نے میڈم یہ بڑی اچھی یہ دیکھیے یہ بڑا اچھا فگر ہے یہ اب ناؤ وی ہیو سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ 7035 بچے ہمارے 2015 میں تھے میڈم یہ بڑا اچھا فگر ہے کہ 7000 سے زائد بچوں کو آپ نے ریسکیو کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی سب لوگوں کو بچے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں 10,000 سے زیادہ میں ٹینس آف تھاؤزنڈ آف چلڈرن جو ہیں وہ اس وقت مزید سڑکوں پہ اس پہ ہم کم از کم اگری کر سکتے ہیں میم پنجاب میں تو آپ کے 75 افسران صرف وہ ریسکیو آفیسرز ہیں وہ ہمارے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا پورا ایک میکنزم ہے کیا میکنزم ہے جی جی بتائیے سائیکولوجسٹ ہیں ہمارے جو بچوں کو اسٹریٹ سے اٹھائیں گے وہ کتنے آفیسرز وہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہمارے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ہماری ریسکیو آپریشن ٹیمز ہیں میڈم 36 ضلع ہیں میڈم 36 ضلع ہیں 75 افسر ہیں بیسیکلی ہر ضلع میں 2 افسر اس ایوریج کے طور پہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میڈم ابھی آپ نے کہا 75 ہمارے 35 لاہور میں ہے جی تو پھر باقی تمام ضلعوں کے اندر کتنے باقی تمام ضلعوں میں ٹوٹل 40 بات کر رہے ہیں میں لاہور کے چینل پہ بیٹھی ہوں آپ باقی چلیے میڈم آپ لاہور کی بات کر لیجیے 35 افسران لاہور کے اسٹریٹ چلڈرن جو کہ ٹینس آف تھاؤزنڈ میں ہیں کیا آپ کا جینوئنلی خیال ہے کہ یہ اتنے لوگ مناسب ہیں یا حکومت کو مزید فنڈنگ کرنی چاہیے دیکھیں فنڈنگ ہماری ہر سال جو ہے الحمدللہ انہانس ہو رہی ہے ہماری پوسٹیں جو ہیں وہ الحمدللہ ریکروٹمنٹ ہماری
थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हुई है, हमारे लॉ ऑफिसर्स भी आए हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट भी आए हैं, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी आए हैं। ये वो हमारी नई तैनातियां हैं जिनको हमने शफाफ तरीके के साथ मेरिट पे लिया है। जी जी मैं और इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, साथ मेरी बात खुदा के लिए सुन ले आप, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमें बजट दिया है उसमें हमारी नई तैनातियां उस हमारे बजट में एलोकेट हो रही है जो 2017-18 में आना है। उसके जरिए साथ वो बच्चे जहां हमारे बड़े इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, हमारे स्मॉल यूनिट्स एक हेल्पलाइन का काम करेंगे। किसी बच्चे को जैसे आज एक बच्चे की आंखें जो है वो निकाल दी गई, उसके साथ जुल्म हुआ, किसी दूर दराज भी हिस्से में कोई जुल्म होगा तो हमारे वो यूनिट्स उन बच्चों को मेडिकल। सवाल बड़ा सिंपल है वो ये है कि अगर हर शख्स को लाहौर में पंजाब में हर शख्स को ये पता है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन उसकी नेबरहुड में कहां एग्जिस्ट करते हैं, हर शख्स को पता है, हमें भी आपको पता है। भी पता है, हमें तो भी पता वो है। बच्चे अभी तक सड़कों पे क्यों हैं। और सबा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा यही एक फ्लो था प्रोग्राम का कि हम आपसे डाटा जानेंगे और उसके बाद हम भी जो ताउन हो सके आपके साथ करेंगे, चूंकि डाटा नहीं मालूम है। लेकिन अगले सवाल ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन उसके बाद तमाम सवाल आपसे करेंगे और जानेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जानेंगे, रिहेबिलिटेशन किस तरह की जाती है, एक्सप्लोइटेशन किस तरह से होती है बच्चों की, और कितने एज के बच्चे जो हैं वो अंडर स्ट्रीट चिल्ड्रन काउंट किए जाते हैं। नाज़रीन ये सब चीजें जानेंगे सबा साहिबा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।